दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है TMG टिप्स के आज की वीडियो में। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से IP कैमरे को NVR और POE स्विच के साथ कैसे कॉन्फ़िगर और कनेक्ट किया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो ठीक है दोस्तों, मैंने लाइन केबल के थ्रू अपने NVR को POE स्विच से जोड़ लिया है और अब हम जोड़ते हैं अपना IP कैमरा। ये है मेरा IP कैमरा, आप देख रहे हैं, और यहाँ पे मैं लाइन केबल की एक से लगाऊंगा इस तरीके से देता हूँ इसे, और इसे सीधा मैंने लगा दिया है इसको मेरे POE स्विच के साथ। देख लीजिए दोस्तों, POE स्विच में है और उससे सीधा इसका लगा है हमारा कैमरे के साथ। चलिए मेन स्क्रीन पर चलते हैं, इस तरीके से कंफिगर करना है। ये देखिए, आपने जस्ट राइट क्लिक करना है, मेन मेन्यू निकालना है यहाँ पर से, और कैमरे पे आना है और ऐड आईपी कैम यहाँ पे क्लिक करना है आपने। और जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं आप, कुछ भी नहीं है, आपने यहाँ पे सर्च डिवाइस दिखता है, आपका फ्लैश ड्राइव पे देख रहे हैं आप सर्च डिवाइस, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने एक IP आता है, देखिए बाय डिफॉल्ट IP इसका CP+ का होता है 192.168.1.250। ठीक है दोस्तों, और हमको यही IP बदलना है और हमको यहाँ पे डालना है, मेरे को यहाँ पे IP करना है 192.168.1.154 करना है मेरे को यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों, इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हमारे जो कैमरे का IP आया हुआ है उसको हम चूज करेंगे चेकबॉक्स के ऊपर क्लिक करके, तो ये बदलना है इसलिए हमने इसे सिलेक्ट किया है। और अब हम इसे करेंगे इनिशियलाइज़ के वजह से हम क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पे हमने कुछ नहीं छेड़ना और हमने सीधा क्लिक करना है नेक्स्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स खुल गया है, यहाँ पर से आप अपना IP चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 154 करूँगा, 154, और इसके बाद मैं इसे करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक, क्योंकि मेरा IP चेंज हो चुका है, मेरे को यही IP चाहिए। और अब मैं करूँगा नेक्स्ट पे क्लिक, जैसे ही मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ दोस्तों, देखिएगा ये IP मेरा असाइन हो जाएगा, और देखिए ये मेरा IP मॉडिफाई हो गया है और यहाँ पर मैसेज आ गया है मॉडिफाई IP सक्सेसफुली। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब आपका IP चेंज हो चुका है। चलिए ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं नेक्स्ट पे या ओके पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमने ओके पे क्लिक, जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पे हमारा IP अभी भी हमें शो कर रहा है 250 लास्ट में 192.168.1.250। तो ऐसे में घबराना नहीं है दोस्तों, हमने एक बार फिर से सर्च डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सर्च डिवाइस पर क्लिक करते हैं आप देखें आपका IP चेंज कर दिया गया है, मेरा 154 था तो मेरा 154 आ गया है 192.168.1.154, और यहाँ पे टिक मार्क का निशान जो ग्रीन कलर का है ये शो कर रहा है कि ये हो चुका है। अब यहाँ पे दोबारा हम इसे चूज करेंगे कैमरे को और इसे करेंगे ऐड, यानी ऐड पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही हम इसे ऐड पे क्लिक करेंगे हमारा ये कैमरा ऐड हो गया है। यहाँ पर दोस्तों रेड कलर आ रहा होगा शुरू में आता है इस, और इसका हम वेट करेंगे थोड़ी देर और इसे ग्रीन कलर पे करने होने का वेट करने के लिए निकलेगा, जैसे ही ग्रीन कलर होगा यानी कि हमारे कैमरे चल पड़ा है। देखिए दोस्तों मेरा कैमरा चल पड़ा है, यस। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।